अल्टीमेट्स, आप सभी का स्वागत है पोकेमोन अनबाउंड के कॉर्नर एपिसोड में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और पिछले एपिसोड में हमने चैलेंज किया था एंटिसिस सिटी के जिम लीडर बिग मो को और हमने उसे हरा दिया और हमें मिल चुका है इस गेम का 6th जिम बैच। और आज के एपिसोड में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं सीपोर्ट सिटी और वहाँ से हम जहाज में जाने वाले हैं ईस्ट बॉरियस। जी हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड ए बोट टू ईस्ट बॉरियस, तो हमें बोट यूज़ करके जाना है ईस्ट बॉरियस में। तो ट्रैवलिंग होने वाला है काफ़ी ज़्यादा आज। तो गाइज, पिछले एपिसोड में हमारा नॉय बैट इवॉल्व हो गया था नॉय वन में, तो आप देख सकते हो। और अब हम चलते हैं आगे सीपोर्ट सिटी। सो चलो, आई गेस और कुछ नहीं है सिटी में काम। हमने साइड मिशंस लिए हैं सिटी में लेकिन हमने किया नहीं है अभी तक, तो बाद में वो सब किया जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं सीपोर्ट सिटी। सो मैं जाना कैसे यार, मैं वो देख लेता हूँ एक मिनट। सो यहाँ पे टाउन मैप रूट 16, ठीक है। तो ये रहा सीपोर्ट सिटी बैटल फ्रंट है। ओके, तो हमें जाना है यहाँ पे। पानी है, नदी है यहाँ, मतलब हमें सर्फ यूज़ करना पड़ेगा। रूट 16 फिर रूट 17। ओके, तो अगर हम गुरून टाउन से होके जाएंगे, एक ही बात है तो हम यहीं से चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोरेशन भी हो जाएगा, राइट। हाँ, तो हमने इससे बैटल किया था, उसके बाद हमारा नॉय बैट इवॉल्व हो गया था नॉय वन में पिछले एपिसोड में। सो रैपल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और चलते हैं बाकी। तो यहाँ पे मैं ये पढ़ लेता हूँ ट्रेनर टिप्स, ये मिशन है। सो पिछले एपिसोड में हमने बिग मो को हरा दिया था और हमारे पास 6 बैजेस हो गए, आई थिंक 6 बैजेस हैं। ओके, 6 बैजेस हैं हमारे पास और हमने 7 मिशंस भी कंप्लीट किया है ज़्यादा नहीं है बट स्टिल। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जो भी सामान वगैरह है, मैक्स रेपल, यस रेपल, समथिंग अनस्टेबल इज इन द वे, यूज द डिफेंस स्कोप, यस। ये क्या है, एन इनविजिबल पोकेमोन बिकेम कंप्लीटली विजिबल, पोकेमोन अटैक्ट, कौन सा पोकेमोन है भाई ये, कैक्लियन। इसे खत्म करते एक बार में। टाइप चेंज टू डार्क सब्स्टिट्यूट, इट वॉज टू वीक टू मेक ए सब्स्टिट्यूट। इसे पकड़ सकते हैं लेकिन छोड़ो यार, कोई बात नहीं। ओके, सो कैक्लियन अच्छा पोकेमोन है वैसे, और मेरा देखा जाए तो पोकेमोन का लेवल कुछ खास नहीं है, मुझे और ट्रेन करना पड़ेगा अपने पोकेमोन्स को। अच्छा, यहाँ इधर क्या है, ज़ाइगाट्सेल, रॉक क्लाइम यूज करना पड़ेगा वहां पे। तो चलो फिलहाल हम अभी फुल्ली ध्यान देते हैं अपना सीपोर्ट सिटी जाने में। सो अगर आपके पास कोई भी टिप्स है गाइज आगे एपिसोड्स के लिए तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैंने फिर गलती कर दी, वापस जाना पड़ेगा मुझे। मैंने पिछले एपिसोड में भी यही किया था, वेल पिछले एपिसोड उस टाइम तो ये सही था क्योंकि मैं इस सिटी में ही आ रहा था तो ऐसा कोई बात नहीं था, लेकिन फिर से मैंने वही गलती कर दिया। सो ओके, चलो अब सर्व करके हम चलते हैं इधर, ट्रेनर्स है। आई थिंक हमें गुरुन टाउन से होके जाना है क्या सीपोर्ट सिटी। बैटल नहीं करो भाई, कैसे जाए। अच्छा, यहां से रास्ता दिख रहा है मुझे एक, तो यहां पे काफी सारे रॉक क्लाइम्स है, मेरे पास रॉक क्लाइम है लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक स्पेसिफिक पोकेमोन पकड़ूं।
जिसको मैं रॉक क्लाइंब सिखाऊंगा, तो ये रूट 17 में आ गए हम। अच्छा, तो हमें जाने के लिए वहाँ वो यूज़ करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, रॉक क्लाइंब। तो मुझे कोई पोकेमोन को सिखाना ही पड़ेगा रॉक क्लाइंब, सो इट कांट बी हेल्प। सो मैं किसको सिखाऊं रॉक क्लाइंब? टीएम चीज। ओके, रॉक क्लाइंब हमारे तीन पोकेमोन सीख सकते हैं, ट्रिको ट्रिको नहीं सॉरी सेप्टाइल, गैडोन और ऑरा। देख लेते दोस्तों, मैं गैडोन को तो सोच रहा हूँ ना सिखाऊं, ऑरा को शायद सिखा सकते हैं हम, लेकिन एक बार सुडॉक को देखते हैं। ठीक है, सुडॉक के पास कौन से मूव्स हैं यार? चार मूव्स क्यों देते हैं यार ये लोग, पांच मूव्स एटलीस्ट। अच्छा, रॉक क्लाइंब 90 है, लीफ ब्लेड, सीड बॉम्ब, एश्योरेंस। ओके, तो यहाँ पे मैं अपने एक पोकेमोन का मूव सेट्स चेक करना चाहूँगा। मुझे चेक करने दो, मेरे कौन से पोकेमोन्स के पास डार्क टाइप मूव्स है, मुझे वो चेक करना है। क्रंच के पास डार्क टाइप है, सही है। रे के पास भी है शायद ना, या इसके पास नहीं है? हाँ, इसके पास नहीं है। बर्नस के पास है आई गेस, बाइट है, सही है। ओसा के पास तो नहीं है, मैं जानता हूँ। ऑडा के पास भी एक डार्क टाइप मूव है, अच्छा नहीं है इसके पास, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे सुडोक के पास एश्योरेंस है, जो कि मैं उतना यूज़ करता नहीं, तो मैं एश्योरेंस हटा के सुडोक को सिखाने वाला हूँ रॉक क्लाइंब। यही मेरा डिसीजन है आई गेस, सही है डिसीजन। एश्योरेंस बाय बाय, रॉक क्लाइंब वेलकम। ऑल राइट, ओके, तो अब हम देख लेते हैं, अब हम यूज कर सकते हैं रॉक क्लाइंब। यस, इधर कुछ है क्या यार? अरे हो जा भाई, यहाँ पे ट्रेनर्स है। मैंने काफ़ी सारे ट्रेनर्स के साथ बैटल नहीं किया इस गेम में, क्योंकि पता नहीं वीडियो के वजह से, लाइक मैं वीडियोस में बैटल स्किप ही करता हूँ। गेम लैग क्यों हो रहा है भाई इतना? इसके साथ बैटल करना सही नहीं लग रहा, बाद में ऑफ स्क्रीन करेंगे। एक मिनट, गेम इतना लैग क्यों हो रहा है मेरा? हाँ आप ठीक है, लैग मत होया कर भाई। ओके, सो एक दिन मैं स्पेसिफिक, मतलब एक अच्छा सा दिन मैं सोचूंगा, और उस दिन मैं अपने पोकेमोन्स को ट्रेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लो लेवल्स पे हमारे पोकेमोन, मतलब गेम का एंड लगभग आने वाला है, और अभी तक हमारे पोकेमोन्स कुछ खास नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ खास लेवल्स के नहीं हैं, आपने देखा ही होगा। अच्छा, इधर भी कुछ है नहीं, तो हमें उस साइड जाना है। सो इधर देखते क्या है। अच्छा, इधर जा नहीं सकते हम, कैसे जाएं इधर? रॉक क्लाइंब यूज करके, अच्छा डाउन स्टोन, a peculiar stone that makes certain species of Pokemon evolve. Evolve करने के लिए ये क्या चीज़ है भाई, ये किस लिए दिया गया है? अच्छा, रैपल तो यूज करना है हमें, बस दो रैपल्स, चलो यूज कर देते हैं, मेरे पास सुपर रैपल आई होप हो। सो चलो ट्रेनर टिप्स पढ़ लेते हैं। पीपी अप, पीपी अप, पीपी अप,
अरे शिट, सो गाइस चलो बैटल करते हैं। ओके सो हमने हरा दिया इसे। इधर क्या सीन है? टेरन एक्सट्रैक्ट है ना, क्या है वो? चैंसी, वो हमारे पोकेमोन हील कर सकती है। मैक्स रैपल, ओह नाइस। चलो मेरे रैपल्स खत्म हो गया। सुपर रैपल्स और मैक्स रैपल्स अभी जो मिला मतलब है मेरे पास लगभग। अच्छा इधर ओ जायगाट सेल 33% कलेक्ट कर लिया हमने। अच्छा यहाँ से आए थे, इधर क्या है? पोकी बॉल, मैक्स पोशन, यस। चलो रैपल रैपल यार रैपल नहीं है मेरे पास। चलो सुपर रैपल। यहाँ बैटल हो सकते हैं दोस्तों, मैं तो अवॉइड ही करूँगा आपको पता है। भाई मैंने ये क्यों किया, हड़बड़ी में हो गया। चलो बैटल कर लेते दोस्तों, कोई बात नहीं। सो अगेन हमने हरा दिया इसे। अब देखते हैं ये पोकी बॉल में क्या है। मैक्स रिवाइव, चलो ये अच्छा चीज था भाई। यहाँ क्या है? इधर कुछ नहीं है। चलो अब चलते वापस। इधर गए थे क्या नीचे हम? सो इधर जाने का फायदा आई गेस नहीं है, बट फिर भी इधर जाके देखते क्या है। ओके सो इधर कुछ नहीं है। मैं कुछ चीज छोड़ना नहीं चाहता बस, इसलिए मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। बच गया बच गया बच गया, यस। अच्छा रॉक क्लाइम, वो कैसे? मैं मुझे वो चाहिए, वो मैं कैसे लूँ? ट्रेनर टिप्स पढ़ा था हमने। ग्रीन शार्ट, ओके बॉल, फुल हिल, लेट्स गो। लम बेरी व्हेन हेल्ड बाय पोकेमोन इट विल यूज्ड इन बैटल टू हील एनी प्रॉब्लम। ओ तो बहुत खतरनाक चीज मिला भाई मुझे। रेयर कैंडी, मेरे पास रेयर कैंडी 3-4 है तो मैं उसे यूज कर लूंगा बाद में ऑफ स्क्रीन। क्विक बॉल मिल गया हमें। इधर देखते क्या सीन है। अच्छा मैं वो पोकी बॉल लेना है मतलब जो वहां पे था। यहाँ पे एक टीएम बॉल है, साइज शॉक। मैंने कहाँ देखा था? हाँ इधर इधर था शायद आई गेस।
पिजियोट हमें वो चाहिए, पिजियोटो पिजियोट चाहिए। हाँ पिजियोट, पिजियोट लास्ट फॉर्म है ना उसका, पिजी का। अरे यार कंफ्यूजिंग है थोड़ा, पिजी पिजियोट पिजियोटो पिजी पिजियोटो पिजियोट, हाँ ऐसे चलता है भाई। अच्छा है पोकी बॉल है। मेट्रोनॉम एन आइटम टू बी हेल्प बाय पोकेमोन एंड बूस्ट। ओके इधर देखते हैं, ईस्टर्न ब्लफ्स सीपोर्ट सिटी। ओके ये क्या है, इस गेम में काफ़ी सारे हिडन ग्रोटोज हैं। चलो बैटल करते हैं दोस्तों, चलो बैटल करते हैं। सो यहाँ पे मैंने हरा तो दिया इसे, लेकिन थोड़ा मेरा बेवकूफ़ी की वजह से गैडन का एचपी कम हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं। ओके सो गाइस लगता है हम सीपोर्ट सिटी लगभग पहुँच ही गए हैं। सो चलो सीपोर्ट सिटी चलते हैं, इधर कुछ है। अच्छा उस साइड क्या है, छोड़ो कुछ नहीं। सीपोर्ट सिटी पहुंच गए हैं। How's it going, fella? I came all the way here from Magnolia Town in East Broadius to check out this here battle frontier. I heard you can spend hours just battling non-stop. Okay. Look, some of my former colleagues can occasionally be found performing unethical experiments in the warehouses around here. Where did I used to work? Cube Corp, of course. अच्छा मैंने टीवी पे सुना है Cube Corp, मतलब इस गेम के टीवी पे। इधर क्या सीन है? जा सकते नहीं जा सकते? सो एक्सप्लोर कर लेते हैं यहाँ पे। जायगा सेल मिल चुका है हमें 34%। क्या है भाई ये बेस है क्या भाई, किसका है बेस है? द पोर्ट हब ऑफ बॉरियस। गुड डे, वेलकम टू द इनवर्स डबल बैटल हाउस। ओके जल्दी जल्दी एक्सप्लोर इनवर्स डबल बैटल हाउस। पोकेमोन ब्रीडर्स स्कूल, ओ लर्न टू बिकम ब्रीडर। सपोर्ट सिटी इज होम टू द वन एंड ओनली ब्रीडर्स स्कूल। ओके आई एम सॉरी बट ओनली मेंबर्स आर अलाउड इन द बैटल ग्राउंड। स्टिकी और Hey there, Pokemon trainer. I'm a member of the hip guys. Lumion, अच्छा कुछ फालतू का कुछ मिशन, मतलब मिशन भी नहीं, ऐसे ही बस इसने कह दिया ये पोकेमोन पकड़ के लाओ बस। ये क्या है? I'm sorry but the battle frontier is currently being renovated. Okay, kitna bada hai ye? Oh, wow. पोकेमोन ब्रीडर से बात करते हैं। सीट मेरे पास नहीं है, सॉरी। पीछू चाहिए इसको, पीछू देखना है। तो यहाँ पे कुछ मिशन वगैरह या फिर कुछ सामान वगैरह मिल जाए तो एवरस्टोन हैज नेवर इवॉल्व्ड एंड हैज नो इवोल्यूशन, सो आई विल गिव यू वन ऑफ योर ओन। डू यू हैव अ पोकेमोन लाइक दिस इन योर पार्टी? अ
नहीं नहीं वैसा तो पोकेमोन मेरे पास नहीं है, मतलब ऐसा पोकेमोन इसको चाहिए मतलब जो इवॉल्व अभी तक नहीं हुआ हो, इवॉल्व हो ही नहीं सकता, ऐसा चाहिए इसके इसको। एनीवेज दिस इज द पोकेमोन रेडर्स स्कूल। हाँ हाँ चलो, इधर क्या सीन चल रहा है? If you hatch at least 10 eggs, I'll give you something. Mission has added. कुछ बड़ा ही चीज देगा। बोलो लो 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 लो। रेस करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद रेस करता हूँ अपने पोकेमोन को। मैं भूल जाऊंगा अपने पोकेमोन को रेस करने अगर दे दूं यहाँ पे तो। एक्सोटिक बेरीज नहीं चाहिए। What are exotic berries useful for? Only one thing thing comes to my mind. Natural gift. Natural. Oh, nice. Do you have any berries you'd like to know the natural gift of? छोड़ो यार. ये सब कुछ बेच रहे तो मुझे ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों की. चलो अंदर भाई। विल यू शो मी अ टाइनी पोकेमोन? टाइनी पोकेमोन? दैट पोकेमोन इजंट स्मॉल इनफ। आई वुड लाइक टू सी अ पोकेमोन दैट 20 सेंटीमीटर्स हाई और स्मॉल। बस टोगेपी भी है वैसे, लेकिन मिशन ऐड हो गया। इसको टाइनी पोकेमोन देखना है। वाह, मेरे पास तो सब बड़े साइज के पोकेमोन ही है। ओ यहाँ पे ये क्या है? माई ड्रीम हैज ऑलवेज बीन टू सी द अल्टीमेट पमकाबू। यस, वन हु साइज राइवल्स ऑल अदर्स। पमकाबू पकड़ने में कोई बड़ा बात नहीं है, मैं पकड़ सकता हूँ। आई बॉट एन एडीएम फ्रॉम कैप्टन Davis Shipyard. It was a little pricey, but I used to dig it through walls in the KB Expressway. Nugget. वैसे नगेट बेचने से काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है, तो मैं बेच दूंगा एक दिन, पैसे कमा लूंगा काफ़ी ज़्यादा। Have you come to show me a big Pokemon? यार किसी को big चाहिए, किसी को small चाहिए। Varnus, I guess. But that's not a big Pokemon. I wanna see a Pokemon bigger than. इतना क्या बड़ा रे? आई गेस रे भी उतना बड़ा नहीं। अच्छा गार्चोम बड़ा होगा ना? गार्चोम तो बहुत बड़ा है हमारा। डैट्स नॉट ए बिग पोकेमोन। गार्चोम 7 meters। अच्छा यार छोड़ो, अगर ये लोग मुझे एक मेगा स्टोन देते लुकाड़ियों का तो डेफिनेटली मैं दिखा देता इन्हें। मुझे लुकाड़ियों का मेगा स्टोन चाहिए यार। मतलब मेरे जितने टीम में पोकेमोन से उनके कुछ चाहिए। अच्छा यहाँ पे कौन है? वैसे लुकाड़ियों का मुझे मेगा स्टोन चाहिए। व्हाट्स डैट यंग मैन, यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू पुट अप ए काइंडली ओल्डर जेंटलमैन। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट इन द मूड टू डिस्कस बिजनेस एट द प्रेजेंट मोमेंट। वेयर डू एवरीवन सीट ऑफ द स्ट्रीट्स? आई कैन नॉट थिंक विदाउट हर। आह, एन आइडिया हैज फर्मली टेकन रूट इन माय। अच्छा मुझे मिशन देगा। वुड यू अलाउ मी टू एकम्पनी यू इन अटेम्प्ट टू लोकेट माय क्वीन? नोइंग हर दिस इज अ लिटिल चांस टू सी रैन फार। स्प्लेंडिड, लेट्स बिगिन आवर सर्च। She must be somewhere in Seaport City. She is small and pink. You can't miss her. Small and pink. अरे भाई मेरे पीछे पीछे आ रहा है ये है क्या? हाँ यही है। Owners of residence like नहीं ये नहीं है। चल बे, मेरे पीछे पीछे घूमते रहेगा जब तक मैं इसका पीछे नहीं। इसी को लेके मैं पूरा गेम में घूमूं क्या? Her brain appears to be as gelatinous as pudding. Yeah, itna hard at words mat do yaar. Before you hear my spiel, make some room in your party for your Pokemon. Kya 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 kaha isne? Before you hear my spiel, make some room in your party for a Pokemon. अच्छा room बनाना है हमें। अच्छा okay, तो एक Pokemon खाली करना है हमें, लेकिन मैं पहले इसके वाइफ को ढूंढता हूँ। वाइफ है ना उसकी? पता नहीं
कहाँ है कहाँ है कहाँ है? इधर है क्या? ओ जायगार्ड सेल, जायगार्ड सेल को हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, जायगार्ड सेल को हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, वाह पीछे नहीं छोड़ेंगे। हाँ मैं वो कहना चाहता था। बॉक्स में कुछ है? नहीं है यार, कहाँ गई? एक मिनट, वो नीचे क्या हो रहा है वहाँ पे? ये है क्या? यार ये मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। hey, seems we have found quite a catch. Come on man, hurry up and catch it already. A squid like that that'll go for big bucks on the black market. Oh no, acha iski wife, acha yaar billi matlab sorry pokemon. No you ruffians, leave my queen alone. How was it you kid? You think you can interfere with our business? Somebody ought to teach a kid like you to mind your manners. अच्छा तो ये है साइड मिशन। अरे वो मेरे साथ लड़ेगा नहीं, वो जो आदमी मेरे साथ था। वेल मैं अकेले हरा सकता हूँ इन्हें आई गेस। कम बस कैन एंड रे, थंडर फैंग, ओके फेंट, शील्डन का देखते क्या हाल होता है। ड्रैगन रश मैं कर रहा हूँ, मतलब गैडन कर रहा है, मैं कैसे करूँगा? ओके आयरन हेड, तो डिफेंस बढ़ जाएगा इसका। अच्छा डिफेंस के लिए नहीं था वो, अवॉइड कर दिया। ग्रोवाइल, अच्छा ग्रोवाइल पे तो देखते इससे क्या इफेक्ट पड़ता है उसे। एंडवेयर, मेटल बर्स्ट, ओ शिट भाई ये मतलब बड़ा खतरनाक सीन हो गया इधर। जल्दी से खेल खत्म करते हैं हम। ड्रैगन रश करते हैं और थंडर फैंग मैं कर देता हूँ इस पे। इसका खेल ख़त्म और बस हमारा गैडन ग्रोवाइल पे अटैक कर दे। वैसे मैं चाहता तो मेगा गार्चोम बना सकता था बट या मैंने नहीं किया ऐसा। लीव ब्लेड, ओके तो हमारा रे नहीं टिक पाया। ओके सो हमने हरा दिया लगभग, और नहीं है ना इसके पास पोकेमॉन्स? यस हमने हरा दिया। आई एम सॉरी। वेट दैट शाउट डिडंट कम फ्रॉम यू, वी आरंट गोना लेट यू गेट अवे विद दिस फैट मैन, जस्ट यू वेट यू एंड योर स्किटी विल रिग्रेट दिस। फैट मैन, डियर डियर क्वीनी इट्स ओके नाउ, those bad men are gone. I'm sorry we fought earlier. Kingy promises to be better to you from now on. अब मुझे कुछ सामान दे, एक कम से कम एक मेगा स्टोन तो दो भाई कोई पोकेमोन का। थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस इन लोकेटिंग माई क्वीन, आई विल बी विलिंग टू टॉक बिजनेस विद यू वंस आई अराइव माई होम सिंपली। ओके जॉब वेल डन यंग सर, नाउ लेट अस रिटर्न टू माई प्लेस ऑफ रेसिडेंस सो आई माई कन्फर अपॉन यू अ हैंडसम रिवॉर्ड। इसका घर मैं भूल चुका हूँ यार, कहाँ था इसका घर? ये था ना। इट अपीयर्स वी हैव रिटर्न होम विदाउट फर्दर इंसिडेंट, नाउ लेट अस। भाई ये क्या हुआ? सर्व्स यू एंड हिम राइट, इफ यू एवर वांट टू सी दैट स्नोबी मैन अगेन कम अलोन टू द वेस्टर्न वेयर हाउस एंड डोंट ब्रिंग एनी पोकेमॉन दैट अरेंट and don't bring any Pokemon that aren't ice or fairy types. We are gonna teach you a lesson you won't forget. Oh bhai sa. अच्छा तो मैंने, हाँ मुझे एक चीज़ करना था यहाँ पे, एक मिनट। सो मैं अपने एक पोकेमोन को खाली करके आता हूँ।
यहाँ पे मैं अपने एक पोकेमोन को खाली करना चाहूँगा, क्योंकि उस लेडी ने कहा था ना एक पोकेमोन खाली करो, इसलिए किसी को भी कर देते हैं यार। अच्छा एग भी है ना मेरे पीसी में, तो एग को मैं हैच करूँगा बाद में। जो एग हमें कुछ एज ए गिफ्ट मिला था, पता नहीं किसने दिया था, बस दिया था, मुझे इतना याद है। ये कौन है बे? अच्छा ये तो माय हस्बैंड इज़ अ वेरी वेल नोन बिजनेस फ्रॉम क्यूब कॉर्प। वी रिसेंटली मूव्ड हियर फ्रॉम द अलोला रीजन, सो ही कुड बी क्लोजर टू वर्क एंड वुड बी एबल टू कम होम ईच नाइट। I brought along three Pokemon with me that used to keep me a company at night when I was lonely. But now that my husband returns home earlier, I have begun to neglect them. I want them to be happy, and the best way for me to do that is to entrust them to a caring trainer. You seem the type. Would you like one of these Pokemon? Rowlet, Litten, Popplio. Okay, so Alola region ke starters hai. Dekho, Rowlet ek grass type Pokemon hai. लिटन एक फायर टाइप है, पॉपलियो एक वाटर टाइप है। पॉपलियो मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी एक वाटर टाइप पोकेमोन है मेरे टीम में। रौलेट एक ग्रास टाइप है और ऑलरेडी मेरे पास एक ग्रास टाइप भी है मेरे टीम में, सो डेफिनेटली मैं लेने वाला हूँ लिटन को। यू वुड लाइक लिटन? यस। डू यू वॉन्ट टू गिव अ निकनेम टू दिस लिटन? मुझे एक नाम याद आ रहा है क्योंकि ये बिल्ली है, तो मैंने इसका नाम रख दिया कियो। तो आपको याद होगा कियो कौन है? निंजा हथौड़ी में, आई गेस निंजा हथौड़ी में था ना, पता नहीं कोई कार्टून में था, पता नहीं किस में मैंने देखा था कियो, आई गेस निंजा हथौड़ी में था, कोई एनीमे में था, पता नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू गिव इट्स अवे टू फास्ट, कम अगेन वेन यू हैव 7 बैजेस एंड आई विल गिव यू अनदर। ओ फिर से मिल जाएगा, वो सही है, ऐसे इतना ज़रूरत नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ गाइस कि किटन को अपने टीम में रखूँ। एक मिनट, किटन कितने लेवल का है मैं देख लेता हूँ, क्योंकि फायर टाइप की ज़रूरत है हमें। लेवल 45 का है, फ्लेम थ्रोअर मूव है इसके पास, तो सही है। अब थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं सिटी को। सो लगभग हमने इस साइड एक्सप्लोर कर लिया है। केवीटी है ना ये? बात कर भाई, समवन शुड रियली पुट अप एन ऑफिशियल साइन फॉर द केवीटी एक्सप्रेस वे हियर। हाँ 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 एम एफ एम, अच्छा हाँ, उसके उन लोग के गैंग जैसे ही लग रहा है, तो वहाँ से तंग आके यहाँ पे आ चुका है ये। सही किया भाई, सही किया। एवर सिंस एंटिसिस सिटी क्लोज्ड इट्स पोर्ट टू पैसेंजर्स, दिस पोर्ट हैज बीन बूमिंग। ओके ओके, सीपोर्ट सिटी पोर्ट नाउ डिपार्टिंग फॉर ईस्ट बॉरियस। फिशिंग गुरु इन एग्जिस्टेंस बट आई कैनॉट लिव विदाउट पासिंग ऑन माई लेगेसी। विल यू इनहेरिट दिस सुपर रॉड फ्रॉम मी? इट इज माई लास्ट विश। यस थैंक्स, थैंक यू ट्रूली, माई लेगेसी विल लिव ऑन विथ इन यू। बाय बाय भाई। इसे अंदर कहाँ चला गया भाई? ओ जैक्स और लूकर, वट डू यू मीन द सिप्स नॉट रनिंग? We need to get to Boulder Town ASAP. The fate of Boreas depends on it. The fate of Boreas, मतलब कुछ, हाँ 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 सही कहा सही कहा। Look mate, I told you already, I'm sorry but it can't be helped. The ship's having engine troubles and there is not a thing I can do. But a friend of mine can take you to Boulder Town quickly if it's that urgent. He can be found on the docks north of here and he'll take you if you have an SS ticket. If that will get us there quickly, let's do that. You got that ship, meet us at the boat on the docks north of here. We'll board without you, so there's no delay. Take this ticket so you can board the boat too.
एसएस टिकट सही है। लुकर भाई खतरनाक आदमी है, सब जुगाड़ रखता है। इंजन ट्रबल, ओके बट इंजन ट्रबल्स आई जस्ट वांट टू गेट। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा दिन रुक जाओ, कुछ कर भी नहीं सकते हम। सो हमें वो जाना है, कहाँ जाना है हमें? आई गेस एक वेयर हाउस में यहाँ जाना है। यू डिसाइडेड टू टेक मी अप ऑन माई ऑफर, हाँ। यू टू कम विथ ओनली आइस एंड फेरी टाइप पोकेमॉन्स लाइक आई सेड। यू थिंक दिस इज जोकेड? आई सेड ओनली ब्रिंग आइस एंड फेरी टाइप्स। ओके मैं बाद में कभी कर लूँगा इससे लाइक मैं कर लूँ क्या बैटल? अच्छा कर लेते, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आता हूँ अपने आइस टाइप पोकेमॉन को लेके। ओके सो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने कुछ पुराने दोस्तों को लेकर, कुड़ामा और मिनबल। तो कुड़ामा आप जानते हैं एक आइस टाइप है, एक फेरी टाइप है, और हमारा मिनबल तो एक आइस टाइप है ही। तो अब चलते हैं और बैटल कर लेते हैं इससे। अच्छा तो सिर्फ हमें इफ यू रेस्क्यू द फैट मैन। ओके ओके एक मैं फिर से आता हूँ, मैंने गलती कर दिया है, प्लीज़ माफ़ कर दो। ओके सो गाइज अब हम बात करते हैं इससे। यू डिसाइडेड टेक मी अप ऑन माई ऑफर, हाँ लुक्स लाइक यू डिड ऑलराइट देन। यू कैन हेड डाउन द स्टेयर्स बिहाइंड मी टू ट्राई टू रेस्क्यू द फैट मैन, गुड लक, यू आर गोइंग टू नीड इट। ओके यार प्लीज ट्रब वो मत करना, क्या कहते हैं, पजल वगैरह नहीं चाहिए मुझे। इधर क्या है? आई गेस दोस्तों ये हम किसी और दिन करेंगे, ठीक है। लाइक मुझे बोरिंग लग रहा है। ओके सो आस्क सेलर इन सीपोर्ट सिटी टू टेक यू टू पोल्डर टाउन। सो आई गेस ये रहा वो सेलर। अहोय देयर, यू मस्ट बी शिव, योर फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी बोर्डेड द बोट टू पोल्डर टाउन, यू आर द लास्ट पैसेंजर, सो वी विल सेट सेल राइट अवे। ओके ओ ये लोग यहीं पे, वी हैव मेड इट टू ईस्ट बॉडियस। अच्छा ईस्ट बॉडियस में आ गए। एंड लुक ओवर देयर, समथिंग्स हैपनिंग अबोव क्रिस्टल पीक। भाई साहब, ओ भाई मिस्टर लुकर, आई थिंक वी शुड हेड स्ट्रेट फॉर क्रिस्टल पीक। दैट्स नो ऑर्डिनरी स्टॉर्म ब्रीविंग अबोव द माउंटेन, द लाइट ऑफ रेन मस्ट बी देयर प्रिपेयरिंग टू डिस्ट्रॉय बॉडियस। I concur, Jax. Let us make haste towards the mountain. We will put a stop to the light of Rain's schemes and save Boreas. Lucar and I will go on ahead to the summit of Crystal Peak. We can't just run in blind on this one, so we'll come up with some sort of plan to stop their schemes. Follow us up as fast as you can. You'll need the ability to climb waterfalls in order to get up to the mountain, so make it your top priority to earn Boulder Town's gym badge first. Once you've done that, मेक अ बी लाइन फॉर क्रिस्टल पीक। ओके 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 तो हमें पोल्डर टाउन जाना है, सबसे पहले पोल्डर टाउन में ही हम, सही है। तो ये क्या है? ईस्ट बॉडियस वेस्ट बॉडियस, ये पोल्डर टाउन पहुंच गए दोस्तों। सो मैं फटाक से क्या करता हूँ, हील करता हूँ अपने पोकेमोन्स को। ओ मेरे पास सिर्फ दो पोकेमोन्स है। ओके गाइस तो मैं अपने पोकेमोन्स को ले लेता हूँ यहाँ से। गार्चम्प, नॉइवर्न को भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, और इसको भी, और एक मुझे डिपॉजिट भी करना है अपने पोकेमोन को। हाँ यार ये सब करने में इतना टाइम लग जाता है। स्टोर, अब हम विथड्रॉ कर लेते हैं अपने ओशा को।
और अपने ओड़ा को हो जाएगा। चलो लिटेन जो मैंने मुझे मिला है अलोलन स्टार्टर, वो मैं बाद में ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद मैं करूंगा। तो देखो मैं अभी एक्सप्लोर नहीं करने वाला ये पोल्डर टाउन जो भी है। पहले हम जिम करते हैं अपना, जिम बैटल कहाँ है जिम भाई, ये रहा जिम, तो चलो चलते हैं जिम। नेक्स्ट एपिसोड में हम कर लेंगे एक्सप्लोर। Time in the making. Welcome to this body. Let's take a fresh water to commemorate your arrival. Thank you, thank you. Just like back in Mills gym, this gym is centered around water. But unlike his gym, the trainer here actually uses water types, bringing electric types or grass types will do you wonders. Just be careful, trainers in this gym are masters of adaptation. When you fight them, all Pokemon in battle will become the same type as their first two moves. As for how to get tasty, you'll need a Pokemon that can surf across the waves. But be careful, spending too much time in the water can get you washed back to the entrance. Oh, you need to scout ahead and find the shortest path to the next platform. Good luck out there. Okay. ये क्या हुआ? ओ मैं समझ गया। तो इससे बैटल करना ही पड़ेगा हमें। चलो बैटल करते हैं, स्किप कर रहा हूँ ये बैटल, ठीक है। ओके सो हमने हरा दिया इसे, अब क्या करना है हमें? अब पहले मैं हील करता हूँ अपने पोकेमोन को, ठीक है। और मुझे वो देना है अपने पोकेमोन को, मुझे एक चीज़ मिला था ना जिससे स्टेटस हील हो जाएगा अपने आप पोकेमोन का, तो मुझे वही कहाँ गया स्टिकी बार पे रेफ्रेशेस। कहाँ गया यार? सोल्ड बेल्ट, यार कहाँ गया? टेरन एक्स, एन अटेम्प्ट टू बी हेल्ड बाय पोकेमोन, इट एक्सटेंड द टेरन ड्यूरेशन ऑफ होल्डर्स मूव। मेट्रोनोम से होता है, एन अटेम्प्ट टू बी इट बूस्ट मूव्स कंसिक्यूटिवली अंटिल अ डिफरेंट मूव इज यूज्ड। द होल्डर पता नहीं यार, लुमियोस गिल क्या है? एनीवेज हम अपना पैरालाइज हिल दे देते हैं इसे। कहाँ गया? काफी टाइम वेस्ट करता हूँ यार मैं भाई। पैरालाइज हिल कहाँ गया? ये रहा। सुपर पोशन, ऑल राइट चलो। ओ ये देखो, थोड़ा सा ही मूव करता हूँ तो ऐसे ऐसे मतलब फॉग हो जाता है स्क्रीन पूरा। एक और बैटल दोस्तों, मिलता हूँ इस बैटल के बाद आपसे। ओके सो गाइस, हमने हरा दिया इस लड़की को और अब देखते हैं क्या है। मैं फिर से वापस आ गया वहीं पे। ओके तो ये कुछ खतरनाक चीज है।
बच गया। ये खतरनाक पज़ल है भाई, बहुत ज्यादा। अरे मैं लगभग 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 पहुंच गया था वहां पे। ओके चलो गाइस एक और बैटल, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो ये जिम थोड़ा मुझे टफ लग रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब जो नॉर्मल ट्रेनर्स भी है वो भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे कितने पोकेमॉन्स, सब डैमेज्ड है यार। यस यस, ओ अच्छा गाइस अब मैं आया हूँ यहाँ पे, तो मैं अपने पोकेमोन्स को एक बार हील करके आ जाता हूँ पोकेमोन सेंटर से, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। यो गाइस आई एम बैक, अब चलते हैं वापस वही पजल वगैरह। ये रुको एक मिनट, हाँ एक मिनट बस, हाँ चलो। मेरा रिकॉर्डिंग में थोड़ा दिक्कत आ रहा था। ओके ओ शिट, शूट भाई शूट, इस बार तो मैं करके ही रहूंगा भाई कुछ भी हो जाए। हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं। ऐसे ऐसे करते यार। हाँ बच गए, ओ मैं वापस वहां पे जाता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा वीडियो, ठीक है। ओके सो गाइस मैं इस रास्ते से आया, मतलब मैं दिखा देता हूँ यहाँ से आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब रहोगे, मतलब इस वाले जगह में, तो इस जगह से आप यहाँ पे आना, यहाँ से आना, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इस जगह से आप यहाँ आना, तब आप एंटर कर दोगे जिम, ठीक है। ओके सो गाइस मेरे पोकेमोन्स तो अच्छे खासे हील्ड अप हैं, मैंने हील किया ही था बेसिकली। सो मैं फिर भी अपने रे को आगे रख देता हूँ। डेफिनेटली मेरे गैडोन के पास मेगा स्टोन है, बट मैं रे को यूज़ करूँगा क्योंकि उसके पास एडवांटेज है। तो चलो बात करते हैं जिम लीडर से। आई सी यू पास द वे चैलेंज, नेम स्टेसी, लिविंग दिस ईयर स्वैम हैज टॉट मी एंड माय पोकेमोन मेनी थिंग्स, द आर्ट ऑफ एडेप्टेशन बींग चीफली अमंग एम, ऑल माई पोकेमोन हैव मास्टर्ड द एबिलिटी टू चेंज द टाइप्स टू मैच देयर फर्स्ट टू अटैक्स। ओके बट आई रेकन यू ऑलरेडी न्यू दैट, ओ लुक्स लाइक विल बैटलिंग इन द रेन टू, आई रेकन। ओके सो गाइस चलो बैटल स्टार्ट हो चुका है, करते हैं बैटल। मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो एक घंटा का हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो टॉक्सिपिक। इट इज रेनिंग, वाटर एंड पॉइजन टाइप, वाइल्ड चार्ज थोड़ा यूजर को इफेक्ट करेगा, सुपर इफेक्टिव लिक्विडेशन। ओके ओके भाई ओके, डिस्चार्ज, ओ हाइपर पोशन यूज कर दिया उसने। प्लीज प्लीज पेंट हो जाओ, प्लीज पेंट हो जाओ, प्लीज 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 भाई,
थंडर फैंग, यस फेंट हो गया। नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है इसका? आर्मिल्ड, ओके संभाल लेगा आई गेस मेरा रे। डिस्चार्ज करते हैं, आई गेस कि नहीं संभाल पाएगा क्योंकि मुझे लग रहा है नहीं संभाल पाएगा। ओह काफ़ी अच्छा, लेकिन इसका क्या फ़ायदा, वो यूज़ कर लेगा, पोशन यूज़ कर हो जाएगा, मतलब उसके जिम लीडर क्या नाम है इसका, जिम लीडर का नाम भूल गया मैं, पोशन यूज़ कर लेगी वो। सो सुडोक को भेजते, सुडोक के पास भी एडवांटेज अच्छा खासा यहाँ पे। यस गैराडोस भाई साहब, वाटर टाइप, ऑफकोर्स अपियर्स एज द वाटर टाइप, मतलब टाइपिंग चेंज कर सकते हैं इस जिम में वो लोग। ओ मेगा गैराडोस देखने को मिलेगा दोस्तों हमें, फाइव 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 फाइव। अगर सुडोक नहीं सकेगा तो मतलब नहीं हरा पाएगा तो मैं डेफिनेटली गैडोन को भेजूंगा। एक्सीजर, ओ भाई थ्रैश, ओ भाई 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 काफ़ी पावरफुल था। गैडोन को भेजते हैं। अच्छा वो ड्रैगन टाइप भी है ना, तो उसके ओ हाँ मुझे अब समझा, ड्रैगन ड्रस करेंगे तो उसको इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ड्रैगन को ड्रैगन मूव्स ही अफेक्ट करते हैं अच्छे खासे। तो यस मैंने कहा था ना थ्रैश, कंफ्यूज हो गया वो, सही है। इस बार उसका खेल ख़त्म। तो हमने हरा दिया मेगा गैराडोस को, मतलब गैराडोस काफ़ी ख़तरनाक पोकेमॉन है, कुछ भी कहो कूल लगता है वो। 66 पे गया हमारा गैडोन, मैं 36 कह रहा था। सेस्मिटॉट क्या सीन है भाई? ओ हाँ ये पोकेमॉन उसका है ना, क्या कहते हैं जोतो का है। इट्स टाइम फॉर द रियल फाइट एडेकॉन। अरे एक मिनट, ओके अर्थक्वेक करते हैं, काम करेगा। इसका खेल ख़त्म शायद। ओ बज गया हाइपर वॉइस, वाह ये इफेक्ट अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ये इफेक्ट। स्टीरियो मोड यूज़ किया गया, मतलब एडिटिंग में बहुत अच्छा था ये। बाय बाय, हमने हरा दिया अपना 7th जिम बैच भी हमने जीत लिया दोस्तों। सो कॉन्ग्रेट्स करो मुझे, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना कॉन्ग्रेट्स करके, वरना से ट्राइंग टू लर्न टेल विंड। अच्छा टेल विंड मुझे याद है बट उतना अच्छा मूव नहीं है ना शायद ये, हाँ उतना अच्छा मूव्स नहीं है। सो गाइस वी हैव डिफीटेड लीडर तस्सी, जॉली फाइन स्टफ सुगा, एट देयर वॉज एज फाइन ए बैटल एज आई हैव एवर हैड। ओ वाह, श्योर एज हैक वास्ट मी अवे फॉर डैट विन, आई वुड लाइक यू टू हैव डैट स्वम बैच। सो वी रिसीव द स्वम बैच फ्रॉम तस्सी, दिस इज आवर 7th जिम बैच आई गेस। द स्वम बैच गिव्स अ ट्रेनर द एबिलिटी टू हैंडल पोकेमॉन अप टू लेवल 90, इट इवन ग्रांट्स दिस दोस पोकेमॉन द पावर टू क्लाइंब अप वाटरफॉल्स। स्पीकिंग ऑफ, ओह तो हमें वाटरफॉल यहीं मिल गया, सही है। बस हम नेक्स्ट एपिसोड में इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, फोटो टाउन को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम चल देंगे अपना क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, जो भी नाम था वहाँ चल देंगे, जहाँ पे जैक्स और लुकर गए वहाँ पे। देयर एंट नथिंग टू वरी अबाउट नाउ, द वेव्स एंड गोना वॉश यू नो मोर। ओके तो मैं यहाँ से आया था, देखो जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो आपको यहाँ ऐसे करना है, ठीक है, यहाँ से चल जाना तो जल्दी पहुँचोगे।
यहाँ से जाना सही नहीं रहेगा। अगर आप खेल रहे हो मेरे साथ तो आप यहाँ से जाना, इस जगह से यहाँ पे रहोगे फटाक से यहाँ से चल जाना। ओके, तो हमने हरा दिया अपना सेवेंथ जिम बैच, जीत गया। 55 मिनट्स का वीडियो हो गया। सो गाइस, वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।